हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो सोशल साइंस सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर आप इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहां आप विजिट करके पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द एडिटर्स। पीरियोडिकल्स का मतलब होता है यहाँ पर जो वीकली मैगजीन्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पेयर है जो ऑप्शन में कि जो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में है वंदे मातरम अरविंद घोष, संध्या बालिंद्र घोष, न्यू इंडिया विपिन चंद्रपाल, युगांतर भूपेंद्रनाथ दत्त। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा कि जो वंदे मातरम है, ये अरविंद घोष, ये जो पीआर है ये सही तरीके से मैच नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर पीरियोडिकल्स का मतलब होता है वीकली मैगजीन। तो वंदे मातरम यहाँ पर कोई सॉन्ग नहीं है, ये जो वंदे मातरम यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है ये वीकली मैगजीन को सजेस्ट कर रहा है जो उस समय पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो यहाँ ये बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया है और बाकी जो दो ऑप्शन है ये भी सही तरीके से मैच्ड है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर टू है संध्या, ये जो वीकली मैगजीन है ये बारिंद्र घोष इनका एडिटर नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर टू, संध्या बारिंद्र घोष, ये जो पीरियोडिकल्स एडिटर के साथ सही तरीके से मैच नहीं है। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर टू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो वंदे मातरम यहाँ पर लिखा गया है ये सॉन्ग नहीं है, ये वीकली मैगजीन को सजेस्ट कर रहा है जिसका एडिटर अरविंद घोष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द मोशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इज डैश। तो अर्थक्वेक यानी भूकंप के दौरान ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जो कि अर्थक्वेक में होने वाला हलचल को मेजर करता है। तो ऑप्शन में दिया गया है सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राम, सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट से हम अर्थक्वेक के जो हलचल को हम मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ऑप्शन में है आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएसए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा गया है, द आइडिया ऑफ लोकपाल बिल इज टेकन फ्रॉम डैश। तो आइडिया ऑफ लोकपाल बिल जो है वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ऑप्शन में है ब्रिटेन, अमेरिका, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मतलब क्या है, जो नॉर्दर्न यूरोप के कंट्रीज हैं, जैसे कि यहाँ पर नॉर्वे, ठीक है, स्वीडन एंड डेनमार्क, इन सभी कंट्रीज को क्या कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन्स प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। ऑप्शन में है सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौरिस, अनी बेसांत, विजया लक्ष्मी पंडित। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट नेशनल कांग्रेस में थे अनी बेसांत। ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया है, महात्मा गांधी गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल ऑफ हिज ग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इन द डैश। तो गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का जो उपनाम था वो दिया था उनके कौन से स्किल के लिए। तो ऑप्शन में दिया गया है खेड़ा सत्याग्रह, बरदोली सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरदोली सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा गया है, अंडमान वाइल्ड पिग इज एन
एग्जाम्पल ऑफ डेस, अंडमान वाइल्ड पिग जो है वो किसका एग्जाम्पल है? वल्नरेबल स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, रेयर स्पीसीज या फिर एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं इस अंडमान वाइल्ड पिग के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एंडेमिक स्पीसीज, जो ऑप्शन नंबर टू है, ये हो जाता है आपका राइट आंसर। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है उसे हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, जो कि अंडमान वाइल्ड पिग है। वल्नरेबल स्पीसीज किसे कहा जाता है? जिसका हायर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन का चांस होता है उसे हम वल्नरेबल स्पीसीज कहते हैं। जो रेयर स्पीसीज है उसे किसको रेयर स्पीसीज कहा जाता है? जो अभी बहुत कम नंबर्स में अवेलेबल हैं, जो कम नंबर में मौजूद हैं, और जो अनकॉमन होते हैं, ज़्यादातर जगह में जो पाए नहीं जाते हैं, उसे हम रेयर स्पीसीज कहते हैं। और एक्सटिंक्ट स्पीसीज किसे कहा जाता है? जो पहले उनका जो इवोल्यूशनरी डिटेल्स है वो पाया जाता है, उन्हें एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहा जाता है, जो अभी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, लेकिन जो पहले हैं उनका कुछ एविडेंस अभी भी मौजूद है हमारे पास, साइंटिस्ट के पास, तो उन्हें एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा गया है, व्हिच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस? तो ऑप्शन में से कौन सा कंट्री है जो राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्टिविटी करता है? तो ऑप्शन में है इंडिया, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो चाइना है जो कि राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा गया है, द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज डेस। हमारे इंडिया में ऐसा कौन सा सोर्स है जो नेशनल इनकम के मेन सोर्स है? ठीक है, तो ऑप्शन में है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, एलाइड सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पर जो सर्विस सेक्टर है वो नेशनल इनकम के मेन सोर्स है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, सर्विस सेक्टर है जो कि मेन सोर्स है हमारे नेशनल इनकम का। क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा गया है, द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय डेस। जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है वो किसके जरिए परफॉर्म करते हैं? तो ऑप्शन में है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम जो है वो रिजर्व बैंक के थ्रू फंक्शन करते हैं, RBI जिसे कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा गया है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज इन द ईयर डैस। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? 1520, 1526, 1530, 1535। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो 1526 में हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो था वो किसके बीच में हुआ था? ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी यानी कि लोदी डायनेस्टी, ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ था और बाबर ने इस लड़ाई को जीत लिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा गया है, हु वाज पॉपुलरली नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन में से किन्हीं को पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन में है अमीर खुसरो, ख्वाजा नासिर, पार्थ सारथी मिश्र, चंद बरदाई, ठीक है। तो ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन है अमीर खुसरो, इनको पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा गया है, द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराज रंजीत सिंह वॉज डैस। तो महाराज रंजीत सिंह के कैपिटल कौन सा था, उनके साम्राज्य की कैपिटल कौन सा था? ऑप्शन में है लाहौर, अम्बाला, पटियाला, अमृतसर। तो महाराज रंजीत सिंह के दौरान उनका जो कैपिटल था वो लाहौर में था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा गया है, ऑफ द फोर इवेंट्स मेंशन बिलो व्हिच वाज द लास्ट टू टेक प्लेस। तो नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा लास्ट में हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन में है द क्रिप्स कमीशन, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन प्लान या फिर रेटिंग्स म्यूटिनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट में हुआ था वो कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो सबसे लास्ट में हुआ था, ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जो कि 1946 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा गया है, हुईज डायनेस्टी रूल्ड ड्यूरिंग द ईयर्स
1206 टू 1290 इन इंडिया। तो यहाँ पर 1206 एंड 1290 के बीच में कौन सा डायनेस्टी था जो इंडिया में रूल कर रहा था? तो ऑप्शन में है मौर्यन डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी जो था इन ईयर के बीच में इंडिया पर रूल कर रहा था, जो ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा गया है द ऑर्गेनाइजेशन दैट नेगोशिएट्स ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द नेशन इन द वर्ल्ड इज डेस। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है तो जो कि देशों के कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट को नेगोशिएट करता है? तो ऑप्शन में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो यहाँ पर जो ट्रेड एग्रीमेंट को दो देशों के बीच में नेगोशिएट करता है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा गया है द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर इज डैश। अर्थ के सबसे जो निचले स्तर है वो कौन सा है? एटमोस्फियर के वायुमंडल के जो सबसे निचले स्तर कौन सा है? स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। तो ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा गया है ब्लैक सॉयल इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ डैश। तो जो ब्लैक सॉयल जो काला मिट्टी होता है वो कौन से कृषि के लिए उपयोगी होता है, मोस्ट सुइटेबल? तो ऑप्शन में है पैडी, मैज, कॉटन, व्हीट। तो ब्लैक सॉयल जो होता है वो कॉटन के लिए सबसे सुइटेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड एज दक्षिण गंगा। ऑप्शन में है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड तुंगभद्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा गया है ए पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डैश। तो यहाँ पर कहा गया है इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था कौन से ईयर में और किसके द्वारा? ठीक है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि सोशल साइंस के ऊपर बेस्ड थे और ये प्रीवियस ईयर इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऐसे ही और भी इग्नू बीएड से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ आप विजिट कीजिए, वहाँ पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। थैंक यू।